हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। इस वीडियो पे कम से कम 100 लाइक पूरा कर देना भैया आप लोग, ठीक है। ये आपके लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज की ये बात है कि आप पे जो भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर एक बार आप बता दीजिए, अभी जस्ट हम वीडियो शूट कर रहे थे इसकी, इसका पीपीटी नहीं बना पाए हैं। तो अगर पीपीटी इसका बन गया होता तो हम आपको दिखा देते, लेकिन पीपीटी नहीं बन पाया है। इस पर कम से कम आपको मैं टारगेट दे रहा हूँ कि 100 लाइक्स होने चाहिए, 100 लाइक्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपके कमेंट्स क्या थे, क्वेश्चंस क्या थे, सर एडमिशन तो हो गया हमारा फर्स्ट काउंसलिंग में, अब इसकी क्लासेस कब चलेंगी, कैसे चलेंगी और कितने बजे से कितने बजे तक चलेंगी, ठीक है। तो इसको आइए हम थोड़ा सा आपको डिफाइन करते हैं, फाइन करते हैं, हम आपको बताते हैं, समझाते हैं। और अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर की आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स कहाँ पर, जो हमको इंस्टाग्राम पर मैसेज करेगा, इंस्टाग्राम की आईडी एग्री क्लासेस 573, इंस्टाग्राम करेगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट्स करके आएगा, उसको हम देंगे पूरा ऑल ओवर फर्स्ट सेमेस्टर की कंप्लीट नोट्स, ठीक है। उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। आपको अपने 10 मित्रों को शेयर करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की ऑल कम्प्लीट नोट्स मिलेगी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। इसके बाद आपकी क्लासेस कब से चलेंगी, क्लास आपकी दूसरी बात रही, क्लास सुबह किसी यूनिवर्सिटी में 7:45 से चालू होगी, किसी यूनिवर्सिटी में 6:45 AM सुबह मॉर्निंग में ये प्रैक्टिकल की क्लासेस चलती, और शाम कितने बजे तक, शाम 4:45 PM तक, कहीं 5:15 PM तक चलता है, ठीक है। ये आपकी क्लास की टाइमिंग रहेगी। सर क्या लगातार नहीं भैया, बीच में गैप रहता है, कोई क्लास आपकी प्रैक्टिकल की रहती है, कोई क्लास थ्योरी की रहती है, कोई क्लास आपकी 3 क्रेडिट की होती है, कोई क्लास आपकी 2 क्रेडिट की होती है। 2 क्रेडिट और 1 क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है आपका, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी आपकी 2 क्रेडिट का है, इसका मतलब उसमें लिखा होगा 1+1, एक आपकी क्लास प्रैक्टिकल की लगेगी, एक क्लास आपकी थ्योरी की लगेगी, ठीक है। और अगर 3 लिखा है तो इसमें लिखा होगा 2+1, ठीक है। इस प्रकार से 2 क्लास थ्योरी, 1 क्लास प्रैक्टिकल, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्रेडिट बनता है, ठीक है। जो अच्छा स्टूडेंट अपना फर्स्ट सेमेस्टर में बेहतरीन परफॉर्मेंस करके अच्छा GPA बना लिया, उसका 8वें सेमेस्टर तक GPA बढ़ जाता है, ठीक है। और मेरी विश ये रहेगी कि आप लोग जो भी हमारे छोटे भाई या सब्सक्राइबर्स जो भी लोग हैं, अगर आपको किसी प्रकार का असंवैधानिक व्यवहार किया जाता है आपके साथ, मतलब कह सकते हैं उसको रैगिंग, तो आप हमको संपर्क करके जरूर बताओ, ठीक है। और खासकर CSE यूनिवर्सिटी में अगर आपको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, तो कृपया आप हमें नोटिफाई करें, ठीक है। क्योंकि मैं जिस दिन गया था यूनिवर्सिटी में, हम अपने छोटे वाले भाई का एडमिशन कराने गए थे और बाकी सबसे मिलने भी गए थे, तो उस दिन कुछ लोगों ने परेशान किया, फिर हम उनको समझा दिए उसे अपने लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आके बाद में सॉरी सॉरी बोलने लगे कि सर गलती हो गई, ठीक है। तो इस बात पर विशेष ध्यान, चलिए ये क्लास की आपकी टाइमिंग हो गई। अब डेट कब क्लास की है ये आपका संस्थान निर्धारित करती है, डेट यहाँ पर देख लीजिए, आपको डेट हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए नोटिस, ये नोटिफिकेशन है आपका, तो हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। डेट यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कुल सचिव कार्यालय मतलब रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो भी आपके नोटिस जारी होते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, मेरठ का पिन कोड आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ मान लीजिए ऑर्डर करते हैं या फिर आप नहीं समझ पाते हैं कहाँ पर जाना है, कहीं हो गए या
में चले गए, नहीं रास्ता समझ में आएगा तो आप पिन कोड डाल लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, दिनांक 1 अगस्त 2023 को ये नोटिस जारी हुआ है। कार्यालय आदेश क्या लिखा हुआ है इसमें पढ़िए। कार्यालय का क्या आदेश आया है? इस विश्वविद्यालय मेरठ के विभिन्न महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में नौ प्रवेशी छात्र छात्राओं के द्वारा प्रवेश प्रक्रिया करने के उपरांत इन छात्रों का पंजीकरण एवं कक्षाएं नियमानुसार प्रारंभ की जाएंगे। जिन छात्रों को अपनी सीट अपग्रेडेशन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या में जाना हो तो वे जा सकते हैं। मतलब जो स्टूडेंट एडमिशन ले लिए हैं, अगर उनको ऑफलाइन में अपग्रेडेशन कराना है तो जाओ भैया, जाना चाहते हो जाओ, कोई इसमें रोक टोक नहीं। अब आगे देखिए पाठ्यक्रम में, देखिए बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर की बात है, 16 से 18 अगस्त 2023 में पंजीकरण इनकी होने हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन होना है, एडमिशन होना है मेरठ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये मेरठ यूनिवर्सिटी का है। कक्षाएं कब से प्रारंभ है? 19 अगस्त, 16, 17, 18 को आप आइए एडमिशन कराइए, 19 अगस्त से इनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, हॉस्टल भी आपको वहीं अलाट हो जाएगा। ठीक है, अब स्नातक मतलब ये यूजी की बात कर रहा है, यूजी ऑल कोर्स। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप जाएंगे 2 से 3 सितंबर आप पंजीकरण कराएंगे, 1 से 2 सितंबर में, मतलब ये है 2 से 3 सितंबर में आपकी सेकेंड काउंसलिंग हो जाने के उपरांत, क्योंकि आप साफ साफ लिखा है अपनी सीट अपग्रेडेशन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग, मतलब कह रहा है ये डायरेक्ट कह रहा है, आपको मार्गदर्शित कर रहा है कि आप थर्ड काउंसलिंग में अगर जाना चाहते हैं तो जाइए, हमने कोई रोक छेक नहीं किया आपके लिए। ठीक है, 2 से 3 सितंबर 2023 की आपकी क्लासेस कब से चालू होंगी? 4 सितंबर से। ठीक है, 4 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। फिर मास्टर्स एमएससी पीजी की बात करता है, यहाँ पर पीजी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए प्रथम काउंसलिंग में 7 से 8 सितंबर, 11 सितंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, 7 से 8 सितंबर में आपकी पंजीकरण करा देंगे। अब नीचे आएंगे पीएचडी में डॉक्टरेट के लिए, तो प्रथम वर्ष में 2 से 3 सितंबर और 4 सितंबर से आपकी रेगुलर क्लास। ठीक है, आगे देखिए ओरिएंटेशन ऑफ न्यू स्टूडेंट, कहने का तात्पर्य है कि आपको प्रदर्शित करना होगा कि मतलब जो भी नव प्रवेशित छात्र होते हैं उनका भव्य स्वागत किया। ठीक है, उसमें आपको ड्रेस लगता है, ड्रेस हम पहले से निर्धारित करके बता देना है क्या क्या ड्रेस लगेगा आपको। लाल कलर की टाई लगेगी, वाइट शर्ट लगेगी, ब्लैक पैंट, ब्लैक बेल्ट, ब्लैक शूज फॉर बॉयज। ठीक है, ये बॉयज के लिए होते हैं, और गर्ल्स के लिए वाइट, मतलब उनका जो भी ड्रेस रहता है वो वाइट रहता है, और जो उनका दुपट्टा रहेगा वो रेड कलर का रहेगा। ठीक है, अब अगर इस वर्ष से बदलाव हुआ होगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, अपने जहाँ भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे फाइनल वहाँ पर आप पूछ लीजिए कि ड्रेस क्या रखती है, आप उसको बनवा लीजिए। ठीक है, ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि किस जगह पर आपको हाल में बुलाया जाएगा, वहाँ पर आपको स्पीच सुनने के लिए मिलेगा, अपना डिटेल्स बताना, मतलब अपना इंट्रो बताना होगा कि मैं, डरिएगा नहीं, इंट्रो में हेजिटेट ना करिएगा, पैर ना कांपिएगा, वहाँ पर बस जाना है आपको, बता देना है कि मेरा नाम, मैं इंग्लिश में बोल पाते हैं हिंदी बोलिए। ठीक है, मेरा नाम फला है, पिताजी का नाम ये है, और मैं इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, बस इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं बोलना। वो जो भी स्टूडेंट एक बोलेगा तो आप देख करके उसकी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं ओरिएंटेशन विद इन 1 मंथ ऑफ लास्ट एडमिशन। जैसे मान लीजिए आपको 4 सितंबर का हो गया एडमिशन, तो आपको लास्ट सितंबर तक ओरिएंटेशन करा के खत्म करते हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन में आप बिल्कुल जाइए, वहाँ पर आपको खाने पीने की उपलब्धता भी रहती है, और एक चीज और बताते हैं, आपको एक फाइल मिलेगी, डॉक्यूमेंट रखेगी, वो रखिएगा सुपार के, बहुत अच्छा होता है, उस फाइल पे यूनिवर्सिटी के नाम होगी, चाहे सी एस सी यूनिवर्सिटी में हो, चाहे एन डी यू टी में हो, या फिर बांदा में हो, या फिर मेरठ में, कहीं भी हो, आपको एक उसी यूनिवर्सिटी के नाम से फाइल मिलती है। ठीक है, उस फाइल को रखिएगा, उसमें आपको वो फाइल इसलिए दिया जाता है कि आप सभी अपने मूल प्रमाण पत्र को उसमें रखें, सुरक्षित रखें। ठीक है, और बहुत अच्छी खासी होती है, महंगी फाइल होती है, अच्छी फाइल होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लासेस, अगर सी एस ए यूनिवर्सिटी की आएगी, एन डी यू टी की आएगी, बाधा की आएगी, सबकी नोटिफिकेशन हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर, और सभी का
आगे सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ, आठवें सेमेस्टर तक आपको जो भी आपको सेमेस्टर के सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसके उपरांत आपको आगे अगर आगामी ईएफओ की तैयारी करना है, जीटीए की तैयारी करना है, तो इसके लिए जुड़े रहिएगा। गलती यही करते हैं लड़के ना, पता है क्या गलती करते हैं, फिर 4 साल बाद वापस आते हैं हमारे पास। गलती ये करते हैं ये लोग कि जब एक बार काम इनका खत्म हो जाता है तो कहते हैं अरे सर जब काम खत्म हो गया छोड़ो, तब तो ना फोन करें ना मैसेज करें, अरे छोड़ो अपना काम, ठीक है बाबू तो दिया आराम से मस्त रहो। तो इस बात पर आप लोग ऐसा अगर व्यवहार करेंगे तो आप स्वयं को ही पैर पर कुल्हाड़ी मारो, क्योंकि कुछ ऐसी वैकेंसी आ जाती है हम बीच में डाल देते हैं, आप लोग पता नहीं चलता, फिर बाद में पूछते हो कि सर कोई प्राइवेट है जॉब बता दीजिए, ठीक है तब तकलीफ होती है। तो इसलिए जुड़े रहिएगा और मस्त रहिए, खुश रहिए जहाँ भी रहिए, ठीक है। और बाकी किसी प्रकार की समस्या होगा तो आप लोग बिल्कुल याद करिएगा, हम आपकी पूर्ण मदद करेंगे। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, धन्यवाद।